Dear students, class 9th and pre-9th, आज का आपका जो मैथ का लेक्चर है ये एक्सरसाइज 1.5 पेज नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पार्ट 1 A is equal to -1, 3, 2, 0. फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो पहले A डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे. A डिटर्मिनेंट का फार्मूला ये है कि ये फर्स्ट डायगनल आपस में मल्टीप्लाई होंगे 1, 0, दरमियान में माइनस इनटू ये 3 एंड 2. 0 मल्टीप्लाई विद एनी नंबर 0, प्लस माइनस माइनस, 3 2s are 6, इट्स डिटर्मिनेंट इज -6. अगर ये 0 हो तो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, तो यहाँ पे ये 0 नहीं आया, लिहाजा ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है. लिखना है इधर इट इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी ए इनवर्स इज पॉसिबल. ए इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका फार्मूला होता है 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, नो 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट. ए डिटर्मिनेंट हमारा है -6 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. ए का एडजॉइंट हमने लेना है, एडजॉइंट में फर्स्ट डायगनल्स की जगह प्लेस करते हैं 0, -1 जिस तरह पहले आपको पढ़ाया गया है पिछली एक्सरसाइजों में, और दूसरे डायगनल्स के 3 और 2 वाला जो है इसके सिंबल चेंज करने हैं -3, -2. तो ये जो फर्स्ट है 0 ओवर -6 सब पे डिवाइड होगा, और -3 पे भी डिवाइड होगा -6, और -2 पर भी डिवाइड होगा -6, -1 पर भी डिवाइड होगा -6. नो 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर 0, माइनस एंड माइनस आर कैंसल्ड ईच अदर, 3 1s are 3 2s are 1 over 2, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 1s are 2 3s are 6, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, ये 1 over 3 आ गया, इसका माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और 1 over 6. तो यूँ ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड हो गया है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1. इसी तरह जो ये बुक के पेज नंबर 24 है, ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका फर्स्ट पार्ट हो गया है. इसी तरह आपने बाकी तीनों पार्ट्स खुद सॉल्व करने हैं घर में, और सॉल्व करके अपनी नोटबुक पे बेटे नोट कर लेने हैं, और ये नोटबुक के अलावा आप अपने जो दूसरे दोस्त हैं जो व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर रहे, अगर उनसे किसी से मुलाकात हो या टेलीफोन पे बात हो तो उनको कहें कि अपना व्हाट्सएप नंबर स्कूल में भेज दें, ताकि वो भी इसी तरह ऑनलाइन जो स्टडी है उसमें शामिल हो सके. तो आज का सिर्फ इतना ही है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो ये आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 मैंने कर दिया है. इसी तरह पार्ट 2, 3, 4 जो है ये आपने सॉल्व करना है. थैंक यू स्टूडेंट.